कोई नहीं बात है, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। पूरा इलेक्शन प्रिपरेशन के मीटिंग हो चुका, उसके बाद में बोलेंगे हम लड़ेंगे मध्य प्रदेश जीतेंगे। सर क्या क्या बातें रही सर, ऐसा है आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि सचिवालय में इतनी बड़ी फाइलें जली, हजारों की तादाद में उसकी संख्या बनी, 50% कमीशन की सरकार चल रही है, तो फिर शिवराज सिंह ईमानदार कैसे हुए? इसका मतलब है 50% कमीशन की सरकार का मुखिया सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी और जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे सीनियर मोस्ट नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को एक रणनीतिक व्यवहार से घर घर कैसे लेके जाए। सबसे कर्जदार मध्य प्रदेश देश में सबसे कर्जदार प्रदेश हमारा है, और इसका किसी को स्वर्ण पदक दिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है। कर्ज लेने में कौन सा मुख्यमंत्री नंबर वन? तो शिवराज सिंह चौहान। लोकतंत्र की हत्या में, विधायकों के खरीद फरोख्त में मास्टरी किसकी सबसे अच्छी? तो नंबर वन है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश में जितनी अराजकता हुई महंगाई की मार के साथ, किसानों के आत्महत्या के साथ, किसानों को कर्जदार बनाने के साथ, और खासकर महिलाओं के अत्याचार अनाचार और बलात्कार के साथ, रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लेके जाएगी। जहां तक इलेक्शन की और प्रोसेस होती है, वो चाहे कैंडिडेट चयन की प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रेटेजी प्लान के साथ पार्टी का व्यू हो, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह का इसकी अराजकता हो, या विजन क्या हो हमारा कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश के सामने विजन क्या हो, तमाम रणनीति पे चर्चा हुई। पूरे प्रदेश में माहौल चेंज है, पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है सिर्फ चुनाव का, पूरे प्रदेश आंदोलित है शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बेचैन है शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए। मैं मानता हूं फिर से पूरा प्रदेश 50% कमीशन की सरकार को झेल रहा है, भ्रष्टाचार के एविडेंस जलाए जा रहे हैं, तो मुखिया सबसे भ्रष्ट है वो ईमानदार कैसे? ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है प्रदेश का वो ये है कि शिवराज सिंह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। कि जितनी कांग्रेस पार्टी को लेकर आपको चिंता है, पत्रकारों को चिंता है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप भी चाहते हैं बीजेपी हटे, कांग्रेस एकजुट रहे। हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो पूरे प्रदेश का संगठन का काम देखते हैं पार्टी का, आज उन्होंने आगामी चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है उस राजनीतिक मामलों समिति की बैठक बुलाई थी। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी, और हमारे प्रदेश में देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा, अलग अलग समूचे क्षेत्र में उनकी सभाएं की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं करेंगे और जन जागरण करेंगे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफाया करने के लिए। सब लोग गोलबंद होकर एक साथ समूचे प्रदेश में निकलेंगे, और शिवराज सिंह की जो सरकार है आज सत्ता के मत में बदनाम हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को झूठे मुकदमे फंसा रही है, किसानों के साथ उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया गया,
कहीं जहां ओले पड़े थे उनका अभी तक भुगतान नहीं किया। सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियों पर बलात्कार मध्यप्रदेश में चल रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर अनुसूचित जाति क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, पिछड़ा वर्ग और बड़े बड़े महानगरों में हमारे नेताओं की सभा होंगी, इसी महीने से प्रारंभ हो जाएंगी। एकजुटता का संदेश देने के लिए तमाम नेता एक साथ मिलकर काम करें। सवाल इसका है, कांग्रेस में अब एकजुटता पूर्व से ही है। ये तो प्रचार करने वाले अलग है, विरोधी लोग प्रचार करते हैं। हम सब लोगों ने मिलके, सभी नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक वर्ष पूर्व कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का और चुनाव लड़ने का तय किया है। हमारे नेता कमलनाथ जी रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय नेता हमें आगे समय समय मार्गदर्शन देते रहे। कमजोरी है उसको मजबूत करें, कोई आरोप नहीं है। ये आपका प्रचार है मीडिया का, उनको मजबूत करने के लिए दौरे सक्रिय करें। कमजोर सीटों के लिए हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हर क्षेत्र में जाके वहाँ का जायजा लिया है, क्या कमियाँ हैं, किन कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। 66 सीटों की बात करें तो माना जा रहा है कि उम्मीदवारों को, संभावित उम्मीदवारों को इशारा कर दिया जाएगा ताकि पहले तैयारी कर दें। और सारा नहीं, हम जल्दी जल्दी तय हो जाएगा और घोषणा करेंगे उम्मीदवारों की पूरी। हमारे पार्टी के नेता भी चयन करने के बाद उनका पहले ही घोषणा आज लिस्ट पर जारी करने की कोई चर्चा नहीं हुई। प्रियंका जी नामों पर चर्चा हुई। प्रियंका जी का इसी महीने ग्वालियर महानगर में आएंगी और अपनी सभा को संबोधित करेंगी। सर 9 तारीख को विधायक दल की बैठक है सर। हाँ वो तो बैठक है, 10 को जो हमारे साथ परंपरा है। सत्र को लेकर कोई चर्चा हुई? सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं।